मैंने आज तक महिलाओं के विषय पर काफ़ी वीडियो बनाए। हमारे भाग में ज़्यादातर महिला घर के बाहर नहीं जाती या कुछ महिलाओं को बाहर जाने के लिए घर से परवानगी नहीं मिलती। मगर मैं वीडियो का काम करते वक्त महाराष्ट्र के जेजुरी गांव में एक महिला को टैक्सी चलाते देखी और मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि टैक्सी चलाना आदमी का ही काम है ऐसी समाज में सोच है। मैंने किसी औरत को टैक्सी चलाते हुए नहीं देखा था, मगर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने ठान लिया कि मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी। मुझे माझी इच्छा होती कि मला गाडी शिकायची, आणि मी मामचे मिस्टर सांगितलं की मला गाडी शिकायची, तर त्यांनी मला अशी पटकन गाडी शिकवली, म्हणजे शिक, तर मला शिकायची म्हणजे इच्छा होती पण मनात भीती होती की बाबा आपण गाडी शिकू शकणार का, आपण रस्त्यावर म्हणजे आपण लोकांचं करणार का, पण मी हँडल केलं, शिकले। तुमच्या मिस्टरना कसं वाटलं तुम्ही गाडी शिकल्या? त्याला असं बरं वाटलं की बाबा ते काहीतरी म्हणजे माझ्या पाठीमागं तुला कुणाचा म्हणजे मी फितो खातो उद्या की उद्या मी काय मला काय करायचं काय झालं तर मला तुझी काळजी नाही की तू तुझ्या पायावर स्वतः राहू शकतेस, तू लोकांशी इथं काम करण्यापेक्षा एक ट्री मारतील तरी तू खाऊ शकतेस। किती वर्ष झाले ते दारू पितात? दारू म्हणजे त्याला खूप वर्ष झाली, आता माझ्या लग्न झाले 14 वर्ष झाले, त्याच्या आधी पित असतात, आता परत जास्त पियाचे प्रमाण म्हणजे आता वाढले। आता तुम्हाला काय त्रास वगैरे पण देतात का? त्रास काय देतात, थोडासा पिले की नाही जास्त झाली ना की मग ती कंट्रोल त्रास देतात। घर कोण बघतं मग घरातलं पण सगळं काम वगैरे बघायचं? आपले गाडीवरनं आले की घरातली काम आवरायची, परत ग्रमवर आले की परत पळायचं, परत आले की परत करायचं, असं करून मी घरातलं काम हँडल करेन। रंजना अनपढ़ होने पर भी बहुत अच्छी तरह से पैसे का व्यवहार करती है। वो कहती है जो मेरा हुआ वो अपने बच्चों को नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें बहुत पढ़ाऊंगी। तुम्हारा क्या वाटत है आता पुरुष प्रधान व्यवसाय स्त्रीला काम करना सोपा है का बाहर? नहीं करू शकना, तारे लोक बोलते विचार करायचं नाही, स्वतः मनाने करायचं करू शकते। मुझे लगता है रंजना एक उदाहरण है, जो महिला घर में भूखी रहती है मगर काम करने के लिए बाहर नहीं निकलती उनके लिए। जो महिला हर रोज इसके टैक्सी से सफ़र करती है वो कहती है टैक्सी चलाने का काम औरत करते वक्त अपना कोई साथ है ऐसा महसूस होता है और टैक्सी में बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं चाहती हूँ और महिला टैक्सी चलाना सीखे ताकि बाकी जो महिला है उनको आसानी हो वो महिला ड्राइवर के साथ सफ़र करते वक्त। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के जेजुरी गांव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।